हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर्स की तो ट्रांसफार्मर्स ऐसे डिवाइस हैं जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज की अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और ट्रांसफार्मर वर्क करता है विद द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इसकी वर्किंग को समझेंगे लेकिन सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर में हम यूज़ करते हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर और इस सॉफ्ट आयरन कोर में हम बाउंड करते हैं टू सेट्स ऑफ कॉइल जिसे हम प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल कहते हैं ठीक है तो ये देखो फिगर में आप देख सकते हो इस दो तरह से अरेंजमेंट हो सकता है ये इसमें जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसका एक ही लिम्ब में हमने दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी रैप कर दिया और ये दोनों कॉइल्स क्या होंगे इंसुलेटेड होंगे और जबकि इसमें दो लिम्स ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर में हमने ये प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल को बाउंड किया है तो सपोज नंबर ऑफ टर्न्स इस प्राइमरी कोयल का एन पी है एंड नंबर ऑफ टर्न्स इस सेकेंडरी कोयल का कितना है एन एस है अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं तो सबसे पहले हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया इन दिस प्राइमरी कोयल जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई और इससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ ऑन दिस पार्ट ऑफ द आयरन कोर आइडियल केस कंसिडर करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई भी एस्केप नहीं करेगी एंड सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें सॉफ्ट आयर कोर में रहेगा तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस पार्ट में होगा सॉफ्ट आयर कोर के उतना मैग्नेटिक फ्लक्स इस पार्ट में भी होगा तो फ्लक्स ऑन दिस ऑन बोथ ऑफ तो दिस पार्ट विल बी सेम तो सेकेंडरी कॉल में अब ये ऑल्टरनेटिव वोल्टेज है ऑल्टरनेटिव करंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी ऑल्टरनेटिंग होगा वो भी चेंज होगा ठीक है एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप्स सर ई एम एफ इन द सेकेंडरी कॉइल ये हम म्यूचुअल इंडक्शन में देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में तो यही प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन का जिससे ये इसमें ई एम एफ डेवलप होगा ठीक है अब इसके बाद देखो तो इसमें हमने क्या कुछ एजम्पशन लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जितना इसमें प्राइमरी में के पार्ट में डेवलप हुआ है ऑन दिस साइड ऑफ कोर उतना ही यहाँ भी रहेगा आइडियल किस कंसिडर कर रहे हैं और दूसरा ये कि प्राइमरी कॉल का हमें रेजिस्टेंस नेगलिजिबल लिया है इसमें अब इसके बाद हम देखेंगे तो सपोज फाइव फ्लक्स डेवलप हुआ इन वन टर्न ऑफ दिस सेकेंडरी कॉइल तो वन टर्न में फाइव फ्लक्स और सपोज इसमें एन एस टर्न्स है इसमें एन पी टर्म्स है तो टोटल फ्लक्स द फ्लक्स लिंकेज विल बी एन एस फाइव इतना फ्लक्स डेवलप हुआ अब तो ई एम एफ कितना डेवलप हुआ इन इन द सेकेंडरी कॉइल तो हमें पता है ई एम एफ इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस तो माइनस डी एन एस फाई बाई डी टी ठीक है और एन एस क्योंकि कॉन्स्टेंट है नंबर ऑफ टॉन्सटेंट तो ये बाहर आ जाएगा तो अब जो हमारा ई एम एफ हो जाएगा ऑन दिस सेकेंडरी कोयल विल बी ई एस इज ईगल टू ईम सेकेंडरी कॉल इज ईगल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी अब ये ऑल्टरनेटिव फ्लक्स क्या करेगा इंड्यूस करेगा ई एम एफ जो बैक ई एम एफ होगा जिसे हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं ऑन दिस प्राइमरी कॉल और उसकी वैल्यू कितनी होगी उसकी वैल्यू होगी ई एम एफ ऑन प्राइमरी कॉल विल बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन पी नंबर ऑफ टर्नस ऑन दिस प्राइमरी कॉल एंड फाइव ठीक है तो इस तरह से तो जो ई एम एफ ऑन प्राइमरी कॉल विल बी माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी दिस इज द बैक ई एम एफ नाउ द प्राइमरी ई एम एफ शुड बी इक्वल टू द प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज टू बी ऑन ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ है तो इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ठीक है लेकिन अगर मैं क्या आप किसकी बात करूँ ई एम एक रहा होता सेकेंड कॉयल इंड्यूस ई एम ए फकर होता तो सेकंड कॉयल शूड भी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द होता सेकेंड सेकेंडरी कॉइल बिकॉज हमने ओपन सर्किट अज्यूम किया कंसिडर किया ओपन सर्किट और ओपन सर्किट में हमें पता है रजिशन मैक्सिमम होता है इनफाइनाइट रजिस्टेंस होता है एंड द करेंट विल बी वेरी स्मॉल ठीक है तो उस केस में ई एस शुड बी ई एम द सेकंड कॉइल शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इसके बाद करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं इन इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर सेवन पॉइंट फोर फाइव और सेवन पॉइंट फोर सिक्स को तो ई एस हमारा वी एस के इक्वल है एंड ई एम एफ ऑफ प्राइमरी कॉल शूड इज इक्वल टू द वी पी ठीक है तो अब ये दोनों इक्वेशन हमारी बन गई सेवन पॉइंट फोर फाइव ए एंड सेवन पॉइंट फोर फाइव फोर सिक्स ए ठीक है ये दोनों तो वोल्टेज अगर सेकेंडरी कॉल ये है एंड वोल्टेज अगर प्राइमरी कॉल ये है और दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें तो देखना ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा वी एस एफ वी पी किसके आ गया एन एस एफ एन पी के इक्वल यानी कि जो हमारी वोल्टेज है उनका रेशो किस पर डिपेंड कर रहा है उनका रेशो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है ठीक है तो देखो अगर हम क्या करते हैं नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल को इंक्रीज कर देते हैं तो सपोज मैंने डबल कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और नंबर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से तो इससे क्या होगा तो हमारा वोल्टेज अगर दो तो तो सेकेंडरी कॉइल डबल हो जाएगा वोल्टेज अगर ऑस प्राइमरी कोयल्स ठीक है ऐसे अगर सिमिलरली अगर मैं क्या कर दूँ नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दूँ सेकेंडरी कोयल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी कोल में डबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कोयल तो उस केस में जो हमारा प्राइमरी वोल्टेज है सेकेंडरी वोल्टेज है वो भी हाफ हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज के तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा और जो पहली कंडीशन में बताया स्टेप अप उसमें वोल्टेज हम इंक्रीज़ कर देंगे सेकेंडरी कोयल का तो इसमें हमने आप तीन एजम्पन लिए हैं तो पहला जम्शन तो हमने देखा ही था जो प्राइमर रजिस्टेंस वो हमने उसका रजिस्टेंस हमने नेगजेबल लिया था और करंट भी हमने इसमें स्मॉल कंसिडर किया इसके बाद दूसरा जम्पन है कि सेम फ्लक्स लिंक्स बोथ द प्राइमरी इन द सेकेंडरी एज वेल एज वेरी लिटिल फ्लक्स एक्सम फ्रॉम द कोर तो परमेबिलिटी हमने आयरन कोर की मैक्सिमम ली थी और आइडियल केस के लिए कंसिडर किया था कि कोई भी फ्लक्स कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे एस्केप नहीं कर रही आयरन कोर से तो और तीसरा जम्शन है द सेकेंडरी करंट इज स्माल सेकेंडरी करंट है वो भी स्मॉल है क्योंकि हमने ओपन सर्किट कंसिडर किया था ठीक है ये तीन हजार्पन है आइडियल केस की के हम बात कर रहे हैं इसमें इसके बाद इफ़ द ट्रांसफार्मर टू बी हंड्रेड परसेंट एफिशियंट नो एनर्जी लॉस इन द पावर इनपुट इज इक्वल टू द पावर आउटपुट और अगर हम सपोज करते हैं आइडियल केस अगेन हंड्रेड परसेंट एफिशियंट है पावर कभी भी ट्रांसफार्मर हंड्रेड परसेंट एफिशियंट नहीं हो सकता तो हंड्रेड परसेंट एफिशियंट के लिए क्या होगा जो जितनी हम इनपुट पावर देंगे उतनी ही पावर आउटपुट पावर होगी ठीक है और हमें पता है पावर इज आई वी आई टाइम्स वोल्टेज अकॉर्डेंट इनटू वोल्टेज तो प्राइमरी के अक्रॉस आउट इनपुट वोल्टेज इनपुट पावर कितनी होगी आईपी टाइम्स वीपी ठीक है और आउटपुट पावर कितनी होगी आई एस टाइम्स वी एस ठीक है ऑल दो सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट दिस इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन सिंस अ वेल डिजाइन ट्रांसफॉर्म मेंफिशियंसी ऑफ मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट अब कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस तो होंगे उसमें बट क्योंकि हम अपना ट्रांसफार्मर इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि उसका जो एफिशिएंसी हो 95 परसेंट हो तो ये जो हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो देखो अब अब इसमें तो हमारे इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूँगा तो आई पी अपन आई एस इक्वल आ जाएगा हमारा वी पी वी एस अपॉन वीपी के ठीक है यानी कि जो हमारी इक्वेशन थी अभी पीछे जो इक्वेशन आई थी वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपोनेंट भी वो आई पी अपने आई एस के इक्वल आ जाएगी आई पी डिवाइड बाई आई एस के इक्वल आ जाएगी ठीक है अब देखो इसमें तो इससे हमें हमने ये तो देखा था अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इंक्रीज कर दिया तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल भी इंक्रीज हो जाएगी और अगर नंबर टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिक्रीज कर दिया एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल तो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल डिक्रीज हो जाएगी अब इसमें अगर मैं करेंट और नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूँ तो देखो प्राइमरी कॉइल का अगर नंबर ऑफ टर्न्स में क्या कर दूँ सेकेंडरी कॉइल में डबल कर दूँ तो। ठीक है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी कॉल तो उस केस में जो प्राइमरी कॉयल में जो करंट होगा वो डबल हो जाएगा सेकेंड कोयल से तो हमने क्या किया करेंट को करेंट क्या हो जाएगा सेकेंड कॉयल में डिक्रीज हो जाएगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स मैं क्या कर दिया हमने सेकेंडरी कॉल में इंक्रीज कर दिया ठीक है तब क्या होगा तब करंट इसमें सेकेंडरी कॉल में डिक्रीज हो जाएगा प्राइमरी कॉल में डबल रहेगा करंट ठीक है और अगर नंबर ऑफ टर्न्स मैंने क्या कर दिया सेकेंडरी कॉल में डिक्रीज कर दिया एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉयल तो इस केस में क्या होगा इस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन तो इस केस में मेरा नंबर ऑफ प्राइमरी कॉल का जो करंट है वो हाफ है सेकेंडरी कॉल से मतलब इस केस में सेकेंडरी कॉल में करंट डबल होगा ठीक है हमारी जो इक्वेशन से हमने ऑप्टेन करी है ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जिसमें कोई भी एनर्जी लॉसेस नहीं है बट जो एक्चुअल ट्रांसफर होंगे उसमें एनर्जी लॉसेस होंगे और वो क्यों होंगे तो पहला रीज़न है फ्लक्स लीकेज के कारण अब फ्लक्स लीकेज तो हमने कंसिडर किया था जो हमारा आयरन कोर रहा है इसमें मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है कोई भी फ्लक्स एस्केप नहीं कर रहा बट एक्चुअली कुछ ना कुछ फ्लक्स तो एस्केप करेगा इसलिए इसके वजह से एनर्जी लॉसेस होंगे ठीक है अब देखो जो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं तो जैसा कि हमने डायग्राम में स्टार्टिंग में देखा था हम क्या कर सकते हैं एक मेथड है जैसे दो अरेंजमेंट है हमारे पास तो एक अरेंजमेंट ये था और दूसरा अरेंजमेंट ये प्राइमरी इक्वल को सेकेंडरी इक्वल के ऊपर रैप कर सक uh, बाउंड कर सकते हैं और इससे जो हमारा फ्लक्स लीकेज है वो रिड्यूस हो जाएगा दूसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगा वो है रजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग बिकॉज हमें पता है कि रजिस्टेंस है तो करेंट फ्लो होगा तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी एंड हीट इज़ दट हीट प्रोड्यूस और हीट डिसिपिटेड गिवन बाय आई स्क्वायर टाइम्स आर अगर हम क्या कर सकते हैं अगर इसमें हाई करंट फ्लो हो रहा है तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग थिक वायर तीसरा जो रीज़न है वो है एडी एडिक्रेंट इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था तो ऑल्टरनेटिव मैग्नेटिक्ल क्या करेगा एडी एडीकरेंट यूज़ करेगा और उससे भी हीटिंग प्रोड्यूस होगी ठीक है इसको हम लैमिनेटेड कोर से लैमिनेटेड कोर यूज़ करके रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस हिस्टेरिसिस हमने देखा था आप देखो इसमें क्या हो रहा है जो कोर है वो मैग्नेटाइज हो रहा है डी मैग्नेटाइज हो, हो रहा है इसका कंटिन्यूसली और इससे क्या हो रहा है एनर्जी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट तो इसको हम लॉस को कैसे मिनिमाइज uh, कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मटेरियल ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका लो हिस्टेरिस लॉस होगा ठीक है इसके बारे हमने में हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था अब इसके हम एप्लीकेशन को देखते हैं तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं तो जो पावर स्टेशन में वोल्टेज प्रोड्यूस होती है उसको और इंक्रीज़ कर देंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर से इससे क्या होगा इससे जो हमारा आउटपुट पावर है वो क्या इसकी कॉल है आई एस टाइम्स वी एस तो हमने जब आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया सेकेंडरी वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो उससे करंट क्या हो गया रिड्यूस हो गया और करंट रिड्यूस हो गया तो हमें पता हीट एनर्जी प्रोड्यूसेस हीट एन डिसिप्टज़ आई स्क्वायर टाइम्स आर ठीक है तो जो हीट एनर्जी वो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे और इसके बाद जब हम कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे जो हमारे घरों तक आता है तो सब स्टेशन में क्या हो जाएगा या अगेन स्टेप डाउन कर देगा